हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम नूरपुर आबिद हुसैन ने सभी चुनाव बूथों का निरीक्षण किया और चुनावों से संबंधित सभी जानकारी ली। हुसैन ने कहा कि आज लोकतंत्र का पर्व है, जिसमें हमने कुछ 5 पोलिंग स्टेशन चुने हैं, जिनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुनहो भी एक है। यहां पर चुनाव की शुरुआत की गई और यहां कुछ ऐसे इंतजाम किए गए थे जो बाकी पोलिंग स्टेशनों में नहीं है। यहां पर बहुत सुविधाएं दी गई हैं, जैसे टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि लाइन एवं अन्य सुविधाएं लोगों को मिल सके, लोगों को इंतजार न करना पड़े और इसके लिए चाय व स्नैक्स की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों का स्वागत फूलमाला डालकर किया जा रहा है। क्रैच की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध करवाई गई है ताकि इसे आदर्श स्टेशन बनाया जा सके, जो कि लोग यहां आने के लिए और प्रेरित हों। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि यहां पर 90% से अधिक मतदान होगा। हुसैन ने कहा कि जितने भी मतदाता और युवा मतदाता यहां आकर वोट करें। उन्होंने कहा कि आदर्श पोलिंग स्टेशन पर यही मकसद रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित होकर यहां वोट डालने पहुंचे। इस बार नूरपुर में 110 पोलिंग स्टेशन हैं और भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पोलिंग स्टेशन पर क्रैच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी भी पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहेंगे, जो कि मतदाताओं के बच्चों का ध्यान रखेंगे ताकि मतदाताओं को मत डालने में असुविधा ना हो। लोकतंत्र का पर्व है तो हमने कुछ 5 मॉडल पोलिंग स्टेशन चुने थे, जिनमें से ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनो एक है। तो हम यहाँ ऑब्जर्वर सर के साथ आए थे ताकि हम यहाँ से शुरुआत करें और यहाँ पर हमने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं जो कि बाकी पोलिंग स्टेशन पर नहीं है। इन एडिशन से जो हमें एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज है, यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं टेंट लगाए हुए हैं, चेयर्स लगाए हुए हैं ताकि क्यू मैनेजमेंट हो सके, लोगों को वेट ना कर पाए, चेयरों पर बैठे, खाने पीने की व्यवस्था हमने चाय और स्नैक्स की व्यवस्था की हुई है। लोगों को हम स्वागत कर रहे हैं फूल मालाएं डाल डालकर, और डोलियां हमने यहाँ पर लगाई हुई है, क्रश लगाए हुए हैं ताकि हम इसको एक आदर्श पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं, जो कि हम लोगों को मोटिवेट कर सके यहाँ पर आने के लिए। एक फेस्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और हम चाहते हैं कि 100% मतदान हो इस बार। तो हमारी यही कोशिश है कि जितने भी वोटर्स हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो आके मतदान करें। और इन मॉडल पोलिंग स्टेशन का यही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको अट्रैक्टिव बना सके, ज्यादा से ज्यादा हम इसको इसमें कैपेबिलिटी बढ़ा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर मतदान डालने आए। वैसे तो हमने क्रैश की सुविधा हर जगह ही, हमारे 110 पोलिंग स्टेशन है नूरपुर में, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि सभी पोलिंग स्टेशन पर, जैसा कि आपने देखा, कि क्रैश बने हुए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरे यूनिफॉर्म में खिलौनों और खाने के साथ यहां पर मौजूद है। और जो भी महिला या पुरुष अपने बच्चे के साथ आएंगी, उनको हम यहां पर उनका बच्चा संभालेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे भी और उनकी देखभाल भी करेंगे जब तक कि उनके माता पिता जो है वोट डालकर आ सके। ये इसलिए किया गया है कि ऐसा होता है कभी कि जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लाइनों में एक एक दो दो घंटे रहने पड़ता है कहीं कहीं पर, तो वहां पर उनको ऐसी असुविधा ना हो बच्चों को लेकर और वो डिमोटिवेट ना हो वोट डालने के लिए। तो इसलिए हमने ये क्रैश की सुविधा भी हर जगह इस बार करी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन पर, तो हमने सारी एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज रखी हुई है। ये कुछ हमने 5 पोलिंग स्टेशन चुने हुए हैं नूरपुर में, जहां पर भी हम ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान इधर हो जाए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस प्रकार का विधायक और कैसे सरकार चुनाव करें? विधायक जो चाहिए जो इलाके का विकास करे और सरकार ऐसी जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। चलो।